सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8 शुरू होता है, जो जिनबू होता है वो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में बैठा होता है एंड अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे अपनी माँ को सही करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जिन चीज़ों की जरूरत होती है, वो चीज़ें मेरे पास एक भी नहीं है और मुझे पता भी है कि वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी। उसे याद आता है वो दानव का किला, जहाँ पे वो गया होता है उस मॉन्स्टर सिलर ने उसको एक आग वाली दीवार दिखती है। उस आग वाली दीवार के पीछे ही उसे उस सारी इंग्रेडिएंट या वो सारी चीजें मिलेंगी जिससे वो अपनी माँ का इलाज करवा सकता है। पर वो उसके अंदर जा नहीं सकता है क्योंकि उसका जो लेवल है वो काफी कम है। अगर वो उसके अंदर गया तो वो पक्का मारा जाएगा। इसलिए वो पहले सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ा लेवल बढ़ा लूं, उसके बाद मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। उसके बाद जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है जिन्हू की तरफ, जहाँ पे जिन्हू जिन्हू से मिलने के लिए जाता है एक कैफे में। एंड क्योंकि जो जिन्हू होता है उसने जिन्हू को एक ऑफर दिया होता है उसके साथ इनिशिएट करने का, जिसके बदले में वो उसे $300 मिलियन का जो बिल्डिंग है वो उसके नाम कर देगा। जिन्हू को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि एक तो उसे पैसे मिलेंगे और साथ ही साथ अगर वो रेड करेगा तो उसका जो लेवल है वो जल्दी जल्दी अप होगा, जिससे वो आसानी से अपनी माँ के इलाज के लिए वो इंडिकेट ढूंढ पाएगा। तो सिंपली वो उसके जो ऑफर होता है उसको हाँ कर देता है। ये सुनकर जो जिन्हू होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड जाता है। तभी जिन्हू उससे कहता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार तो हूँ पर मेरे कुछ शर्तें हैं। जिन्हू कहता है आपकी जो भी शर्तें हैं सर मैं वो सब मानने के लिए तैयार हूँ। तो जिन्हू कहता है कि ठीक है, देखो हम जो भी रेड करेंगे उस रेड में केवल हम दोनों ही जाएंगे और जो भी चीजें मिलेंगी वो सब मेरी होंगे। जो जिन्हू होता है वो कहता है बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर अगर हमें सी लेवल का कोई भी वो करना है, किसी भी डंजन में जाना है या किसी भी किसी भी मॉन्स्टर के किले में जाना है, तो उसके लिए हमें कम से कम 8 लोगों की जरूरत होगी सी रैंक के दरवाजे के अंदर जाने के लिए। तो जो जिन्हू कहता है ठीक है, तो हम इसके लिए डोंगसू की तरह ये काम कर सकते हैं, हम कुछ लोगों को ढूंढ सकते हैं जो हमारे लिए काम करेंगे पर वो अंदर नहीं जाएंगे और बाहर ही रहेंगे। जिन्हू को ये बात ठीक लगती है। वो कहता है ठीक है सर, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, आप जो इस गेट की जो जितने भी चीजें हैं और साथ ही इन लोगों को ढूंढने का वो सब मैं कर लूंगा, आपका काम केवल लड़ना होगा। जिन्हू कहता है ठीक है। एंड उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है एस रैंक के हंटर की तरफ, जो एक लड़की होती है और वो रनिंग ग्राउंड में रनिंग कर रही होती है। रनिंग करने के बाद वो जैसे ही बैठती है एंड पानी पी रही होती है, तो क्योंकि वो एक एस लेवल की हंटर होती है तो उसका ऑब्जर्वेशन पावर काफी ज्यादा अच्छा होता है। वो सिंपली ऑब्जर्व कर लेती है कि कोई बंदा उसके पीछे खड़ा है छुपक के, तो वो उसे कहती है बाहर निकल जाओ तुम जो भी हो। तभी वो बाहर निकल के आता है और वो बंदा होता है यूजिंग कंस्ट्रक्शन का मैनेजर, जो उसे ऑफर करता है उनकी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए। पर उसके बाद जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है जिन्हू की तरफ। जिन्हू अपने पिता के साथ बैठा होता है जो कि यूजिन कंपनी के मालिक होते हैं। वो उसे बताते हैं कि दुनिया में 5 सबसे बड़े गिल्ड हैं जो कि हंटर्स को हंटिंग के लिए उन दरवाजों के उन तहखानों में भेजते हैं। उसके बाद वो उसे बताते हैं कि इन तहखानों से काफी तरह की चीजें निकलती हैं जो कि आजकल की जरूरतों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये गिल्ड उन सभी चीजों में से 80% चीजें ये गिल्ड अपने पास रख लेती हैं, जिनसे ये काफी ज्यादा अमीर और ताकतवर बन चुकी हैं। अब बाकी सरकार को केवल 20% चीजें ही मिलती हैं, तो हमें भी अपना एक गिल्ड बनाना चाहिए क्योंकि ये एक नाइंसाफी है हमारे साथ और हंटर्स के साथ। देन ये सब बताते हैं अपने बेटे को जिन्हू को। उसके बाद जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है दोबारा से कहाँ पे, जहाँ पे वो उसको बता रहे होते हैं कि कौन कौन से गिल्ड होते हैं। वो उसे बताते हैं कि दुनिया में 5 सबसे बड़े गिल्ड हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ा गिल्ड है वो है टाइगर गिल्ड, जो कि देश का सबसे बड़ा गिल्ड है। उसके बाद जो जिन्हू होता है वो सोचता है कि बात तो सही है, अगर मैं अपना पार्टनरशिप किसी एस रैंक के बंदे के साथ कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए कुछ खतरे की बात भी हो सकती है। उसके बाद जो सीन शिफ्ट होता है वो होता है जिन्हू की तरफ। जिन्हू जो होता है अपनी डेली रूटीन की जो टास्क होता है उसको पूरा कर रहा होता है और वो देखता है कि अब उसे कोई भी ऐसा टास्क नहीं मिल रहा जिससे उसे कुछ अच्छी चीजें मिल सके। लेकिन उसके पास एक लूट बॉक्स होता है, वो सोचता है क्यों ना मैं इसे खोल के देखूं, क्या पता पहले की तरह मुझे फिर से कोई ऐसा तहखाने की चाबी मिल जाए जिससे मैं अपना लेवल बढ़ा सकूं। वो उस गिफ्ट को खोलता है, उस लूट बॉक्स को खोलता है, पर उसके अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता, केवल एक बिंगो खेलने वाली चीजें मिलती हैं, मतलब एक गेम मिलता है।
उसके बाद जिनवू स्ट्रीट पे चल रहा होता है एंड उसके वो अपने सिस्टम में देख रहा होता है कि उसका जो लेवल है वो 26 है। अभी उसका लेवल इतना बड़ा लेवल नहीं है, उसे और लेवल बढ़ाना होगा। तभी उसके पास एक मैसेज आता है हंटर एसोसिएशन से कि उसको एक रेड करने के लिए जाना होगा। जिनवू सोचता है कि मैं इसका जवाब ना दूं, पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एंड वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है जिनवू के लीडर की तरफ। जिनवू के पावर नहीं जगी थी उससे पहले, जब वो एक रेड पे गया था तो उसके जो क्या कहते हैं लीडर थे उनकी तरफ जाता है, जो जिनका हाथ कट गया था पहले। फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि वो एक तहखाने में गए थे जहां पर उनका साथ उनका एक लीडर था, उस लीडर का हाथ कट गया था। सेम वही लीडर है ये जिनका हाथ कटा हुआ है एंड वो अपने जो चेले होते हैं या कह सकते हैं जो उनके स्टूडेंट होते हैं उनको बता रहा होता है कि कैसे कैसे उन्होंने ये चीज़ें, ये मार्शल आर्ट कैसे उनके लिए काम की चीज़ें हैं एंड उसे कह रहा होता है कि अब शायद मेरा रिटायर लेने का वक्त आ चुका है। पर तभी उनके पास भी एक मैसेज आता है हंटर एसोसिएशन का और वो सोचते हैं क्यों ना इस रेट पे चला जाए, और वो ऐसे भी उनकी आखिरी रेट थी, इसके बाद वो शायद रिटायरमेंट ले लेते। उसके बाद जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है एक दूसरे आदमी की तरफ। वो आदमी भी पहले वाले सीजन में उनके साथ ही था, पहले वाले एपिसोड में उनके साथ ही था, जो कि वहां से भाग गया था उस तहखाने से। वो भी सोचता है कि मुझे अपनी बेटी की फीस के लिए अब रेड करनी होगी एंड मुझे फिर से उन तहखानों में जाना होगा। एंड वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं फिर से तहखाने में जाने वाला हूँ। उसकी बीवी कहती है कि आप इस हंटर का काम को छोड़ क्यों नहीं देते और कोई और काम क्यों नहीं पढ़ ले रहे, पर वो कहता है नहीं, मुझे यही काम करना होगा। एंड उसके बाद जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट होता है उनकी तरफ, जहाँ पे उसने एक एस रैंक के हंटर को बुलाया होता है। वो एस रैंक का हंटर उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। उसके बाद जो सीन होता है शिफ्ट होता है ली की तरफ, जो कि जिनवू को पसंद करती थी। वो उस हंटर वो उस पहले एपिसोड के बाद जब वो उस तहखाने में गई थी उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। उसकी वो अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रही होती है, उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें अब सब कुछ छोड़कर अपने घर आ जाना चाहिए और वापस से अपने बिजनेस को संभालना चाहिए। वो अपनी माँ पे चिल्लाती है, कहती है कि नहीं, मुझे अपने सपने को पूरा करना है। उसके बाद वो कहती है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। एंड उसके बाद उसके पास एक मैसेज आता है हंटर एसोसिएशन का कि उसे एक काम के लिए बुलाया गया है एंड वो सिंपली उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक अलग जगह, जहाँ पे दो एस रैंक के हंटर्स सामने सामने चल रहे होते हैं। वो एक दूसरे को सलाम कर लेते हैं एंड उसके बाद जो एस रैंक की हंटर होती है वो जाती है मिलने प्रेसिडेंट से और वो उससे पूछती है, उससे बताती है कि मेरे पास यूजिन कंपनी का एक ऑफर आया था जिसे मैंने ठुकरा दिया है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट कहता है वो कहता है कि तुमने ठीक किया। उसके बाद वो पूछती है कि आखिर आपके और एस रैंक के हंटर के बीच में क्या बातचीत हो रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस एस रैंक के हंटर की तरफ, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि उसने जो जो बातें की होती हैं उस प्रेसिडेंट से। वो प्रेसिडेंट कहता है कि हम लोग एक रेड पे गए थे जहाँ पे हम बुरी तरीके से हारे थे, एक आईलैंड पे, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक आईलैंड पे लड़ाई हो रही है फर्स्ट एपिसोड में। देन उसी वाली आइलैंड की लोग बात कर रहे हैं। उस आइलैंड पे ये लोग बहुत बुरी तरीके से हारते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें गवाई थी, हमें दोबारा से वहाँ पे जाना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। सिंपली ये वाली बातें करके जो सीन होता है शिफ्ट होता है जिनवू की तरफ। जो जिनवू होता है वो फिर से अपने रेड के लिए जा रहा होता है। उसकी बहन कहती है जिनवू आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी जाने लगे हो, वैसे भी पहले जब तुम आया करते थे किसी भी रेड से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती थी और तुम्हें रिकवरी में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता था। जिनवू कहता है बिल्कुल हाँ, आजकल ऐसा तो हो रहा है, पर कोई नहीं, इससे कम से कम हमें पैसे तो मिल रहे हैं खर्च के लिए। उसके बाद जिनवू जा रहा होता है, वो अपने फर्स्ट लीडर से मिलता है। वो उसको उनको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। देन जो लीडर होते हैं वो उससे कहते हैं कि जिनवू, अरे तुम्हारी हाइट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, और तुम्हारा तो पैर कट गया था ना, फिर ठीक कैसे हो गया। तो उसे बताता है कि मैं जब उठा अगले दिन तो मेरा पैर सही सलामत था, पर वो कहता है आपका हाथ तो अभी भी कैसे ही का वैसा है। फिर वो लोग ऐसे ही डिस्कशन करते हुए आगे चले जाते हैं और आगे जाने के बाद वो लोग जाते हैं उस तहखाने के अंदर, तहखाने के पास जहाँ पे वो लोग खड़े होते हैं। वो देखते हैं कि उनके उन जो जिस फर्स्ट लेवल फर्स्ट रेड में वो लोग गए थे वहाँ पे उनके साथ जो लोग थे वो लोग ही वहाँ पे भी हैं, 5 लोग जो कि उस तहखाने से बच के बाहर आए थे। उसके बाद एक इंस्पेक्टर आता है एसोसिएशन से, हंटर एसोसिएशन से, जो कि कुछ कैदियों को लेके आता है उनकी
क्या कहते हैं, कुछ कम से कम 8 लोग चाहिए होते हैं इस दरवाजे के अंदर जाने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये कुछ कैदियों को लेके आते हैं। उसके बाद वो एस रैंक, वो बी रैंक का जो इंस्पेक्टर होता है वो उनसे कहता है कि आखिर इसकी कमान कौन संभालेगा। तो जो लीडर होता है वो कहता है कि क्यों ना इसकी कमान मैं संभालूं, क्योंकि पिछली बार मेरी वजह से काफी सारे लोग मर गए थे। देन ये कह के वो इसकी कमान संभालने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है, वो सभी उसके रिक्वेस्ट के लिए मान जाते हैं। एंड उसके बाद वो सभी उस कहते हैं गेट के अंदर चले जाते हैं, और यहीं पे खत्म हो जाता है एपिसोड 8। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।